हेलो जी, हेलो, वेलकम बैक टू तृप्ति मोद फैमिली चैनल। गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? भाई होप आप सब खुश होंगे, मज़े में होंगे। तो आज का दिन भाई बहुत ही मस्त, बहुत ही बढ़िया। भैया आज हो गए 24 इयर्स हमारे रिंग सेरेमनी का, तो मस्त तृप्ति के साथ कराएं शेयर 24 इयर्स। भाई आज ही के दिन 2000 में एक्चुअली में मेरी रिंग सेरेमनी हुई थी, जुलाई के मंथ 24th of July 2000। भाई यार मेमरीज और दिन इतनी जल्दी निकल जाते हैं यार, आइडिया नहीं होता एक्चुअली में। जिस समय हम उस एज में होते हैं उस समय इतनी सारी टेंशन होती हैं, और बस आपके साथ क्या शेयर करें। तो बड़ा खुशी का दिन है भाई, ये वाली बातें आपके साथ करेंगे नहीं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं आज से 24 साल पहले अपने रिंग सेरेमनी के अंदर, 24th of July। भाई टाइम भी यही था क्योंकि हमारी जो रिंग सेरेमनी हुई थी डे में हुई थी, तो मस्त आपको कुछ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ। ठीक है, उस समय मोबाइल्स तो रेयरली थे, मोबाइल्स शायद पता नहीं, अब मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मोबाइल भाई मेरे पास तो नहीं था। तो मैं आपको चेक कराता हूँ यार अपनी कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स। तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक कर देना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर दो भाई, और अपनी प्यार देना इस व्लॉग को, बहुत सारा प्यार देना, आपकी ब्लेसिंग्स और आपका साथ ही हमें बहुत आगे तक लेके चले जाएगा। तो चलो आओ लेके चलते आज आपका व्लॉग के अंदर, और ढेर सारी बातें करेंगे साथ साथ दिखाते हैं। तो गाइस ये आगे अपना खजाना भाई, ये अपना खजाना है। देखो मेरे लिए तो तृप्ति से बढ़ के कोई भी नहीं है भाई। ठीक है, एक्चुअली में हम दोनों ने जो 24 इयर्स हैं वो अकेले ही, दोनों ने जो है भाई अकेले ही 24 इयर्स जो है खुद अकेले स्ट्रगल करके, बहुत भाई अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल में रही है, बड़ी ज़्यादा टेंशन में रही है। पर हमारी जगह मस्त अपना भाई, आज मैं ये वाला मूड नहीं बनाऊंगा, ज़रा भी ये वाली बातें नहीं करूँगा, वो चीज़ें किसी और दिन शेयर करेंगे। तो ये देखो भाई, ये मेरी मेमरीज़, ये मेरा खजाना, ये मैं आज तृप्ति से चुपचाप लेके आया हूँ। शॉप पे मैं आ गया हूँ, टाइम हो रहा है 12:15 बज रहे हैं और शॉप पे मैं आ गया हूँ। और भाई ये मेरी कलेक्शन, यही मेरा खजाना है। ठीक है, तो ये मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, दिखाता हूँ आप लोगों को। और भाई आज दिल बड़ा खुश है, तृप्ति से छुपा के लाया हूँ, उसको नहीं पता। जब ब्लॉग डल जाएगा, जब ब्लॉग अपडेट हो जाएगा तो उसको पता चलेगा। तो मैं खोलता हूँ इसको, 1 2 3। भाई ये देखो स्वीट मेमरीज़ भाई, 24 ईयर्स ओल्ड खजाना है ये हम लोगों का। ठीक है, तो ये देखो यार बड़ा मतलब खुशी का सा माहौल हो जाता है। ये देखो चेक करो यार भाई, ये देखो। तो भाई व्लॉग बनाने वाला भी मैं हूँ, कैमरामैन भी मैं हूँ। ठीक है, तो थोड़ा सा मिस्टेक होगी अगर फोटोग्राफ्स में इधर उधर। तो ये देखो, ये 24 इयर्स पहले भाई आपका भाई, और ये देखो ये तृप्ति। यार मेमोरीज जो है ना, मेमोरीज होती है, पर क्या है कि जब हम उस वाली स्टेज में होते हैं ना, तो अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होती हैं भाई, रिश्तों की जिम्मेवारियाँ बहुत होती हैं, ज़िंदगी को समझने के लिए बहुत ज़्यादा यार, पर टाइम ऐसे निकल जाता है। 24 इयर्स कैसे निकल गए पता ही नहीं लगा साला अपनी ज़िंदगी में एकदम ना। पर चलो कोई बात नहीं, इतना हैप्पी डे है तो हैप्पी हैप्पी बातें करते हैं। आपको लेके चलता हूँ आगे फर्स्ट फोटोग्राफ की तरफ। ओए होए होए होए, ये देखो ये तृप्ति। तो गाइस ये मेरी कलेक्शन यार, यही हमारा सब कुछ। और ये तृप्ति, इसने पहना हुआ था आज के दिन ये ब्लू कलर का सूट। और ये देखो ये तृप्ति, 24 इयर्स पहले भाई ऐसे लग रही थी आज के दिन कुछ। और ये देखो ये आ गया आपका भाई। यार वीडियो को लाइक करना भाई, बहुत सारा प्यार देना। ये देखो ये पूरी की पूरी 24 इयर्स पहले भाई आज ही के डे हम दोनों की रिंग सेरेमनी हुई थी भाई। और सबसे बड़ी बात कि दिन में ही हुई थी। देखो जब मैं लेके आया हूँ तो जो है अभी दिन का ही टाइम हो रहा है, और दिन में ही मैं आपको अपनी कलेक्शन दिखाने लगा हूँ। तो ये सारी कलेक्शन भाई आज बड़ा दिल करा कि आप लोगों के साथ शेयर करें, आप लोगों को दिखाएं। तो ये देखो गाइस, ये मेरे पापा भाई, बड़ी सारी मेमोरीज हैं इनकी मेरे दिल में। ये हमारे पिताजी, ये मेरी सबसे प्यारी बुआ जो बीच में ब्लू कलर के सूट में, और ये मेरी बुआ छोटी वाली वाइट कलर के सूट में। ये मेरे पिताजी हैं यार, इनके साथ बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं। एक्चुअली मैं हुआ क्या ना कि मेरी जो शादी थी जी, मेरी मैरिज फुल अरेंज मैरिज थी, मेरे पिताजी ने ही जो है तृप्ति को पसंद करा था धर्मशाला में आके। तो गाइस यार अभी 6 मंथ्स हुए थे शादी को, एक्चुअली में मैरिज हमारी हुई थी नवंबर में, और पिताजी की मेरी डेथ हो गई थी भाई 2001 में मई में ना। तो आगे कंटिन्यू करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ी सी कलेक्शन और फोटोग्राफ्स की। ठीक है, तो गाइस होता पता है क्या यार, जब हम ये पुरानी मेमोरीज़ और अपना पुराना खजाना निकालते हैं ना, तो इसमें से भाई कई लोग अपने गायब होते हैं, कई चले जाते हैं यार। जो भी अपने को प्यार करने वाला होता है वो मिसिंग होता है। तो ये तृप्ति के मामा जी हैं, ये भी तृप्ति के मामा जी हैं। ठीक है, ये तृप्ति के चाचा जी हैं, और ये तृप्ति के पापा हैं भाई। अनफॉर्चुनेटली क्या है कि 1 2 3 तीनों बंदे ये जा चुके हैं, तो मेमोरीज ऐसे ही रह जाती हैं भाई।
और तभी आप लोगों के साथ शेयर करने का दिल कराइए। हमारे पिताजी हैं एक्चुअली में, क्या है कि ये जो पापा हैं ये भी मेरे को बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। पूरी है ना भाई, किसी जो है ना एक फिल्म से कम नहीं है, मतलब एक फिल्म स्टोरी अगर बना दी जाए भाई तो सुपर हिट है, फिल्म स्टोरी से कम नहीं है अपनी स्टोरी। एक्चुअली में जो प्यार करने वाला था ना भाई, अब मतलब मेरे को और तृप्ति को, वो तकरीबन अभी तक भाई एल्बम में हैं और वैसे हमारी लाइफ से गायब हैं। तो मेमोरीज हमारे साथ हैं, मैं तो उनकी आज भी बड़ी रिस्पेक्ट और बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ भाई, बड़ा ज़्यादा मिस करता हूँ उनको। ठीक है, पहले भी व्लॉग में आपसे बोल चुका हूँ कि अभी ये वाली बातें फ़िलहाल नहीं करूँगा, क्योंकि भाई आज मेरी 24th रिंग सेरेमनी डे है। ठीक है, आज के दिन मेरी रिंग सेरेमनी हुई थी तो मैं तो बड़ा हैप्पी हूँ, पर ये पुराने लोग मेरे सामने आएंगे भाई तो थोड़ा सा मेरा दिल उदास होगा। मैं आगे लेके चलता हूँ। ये रहे मेरे पापा भाई, बड़ी ख़तरनाक अटैचमेंट थी अपने पापा के साथ और बड़ी ज़बरदस्त बॉन्डिंग थी। ये मेरे पिताजी और ये मेरे दूसरे पिताजी, ये तृप्ति के पिताजी, ये मेरे पिताजी, भाई मस्त दोनों बंदे गायब हैं, इधर से जा चुके हैं और मेमोरीज़ में हैं। ये गायज आपका भाई, ये हमारे बॉय जी जो सबसे बड़े हैं हमारे घर में, ये हमारे दूसरे बॉय जी। ओके, तो गायज ये मेरी बुआ, भाई सबसे ज़्यादा प्यार करता था मैं अपने पापा के बाद इनसे। ठीक है, तो ये मेरी बुआ है और बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है इनके लिए मेरे दिल में। भैया तृप्ति को तो सबसे ज़्यादा प्यार करती थी ये मेरी बुआ, ये हमारे फैमिली में सबसे बड़ी हैं। ये हमारी दोनों भाभियाँ बहुत ज़्यादा प्यार करती हैं और भाई हमारा तो लगाव बहुत ज़्यादा है दोनों भैया से और दोनों भाभियों के साथ। और भाई ये आ गए हमारे पापा, ये हमारी सबसे बड़ी बुआ और ये हमारी छोटी बुआ। भाई मस्त फैमिली है, मस्त मेरे पापा की और मेरी बुआ की मेमोरीज भाई रह गई हैं। तो मैं आपको पहले भी बोल चुका हूँ जिन जिन से हम लोग प्यार करते थे भाई, तकरीबन वो दोनों जने जा चुके, ये देखो ये दोनों जने जा चुके हैं भगवान के पास और हमारी मेमोरीज़ में भाई वैसे ही रिमेन रहेंगे। ये हमारी छोटी बुआ है, ये भी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है भाई, मेरे से भी, तृप्ति से, और मेरा तो लगाव भी भाई बहुत ज़्यादा है। और ये मेरे पिताजी, ये मेरे पिताजी के फ्रेंड और ये हमारे सरदार जी हैं, ये मेरे कंगन भाई भी हैं भाई, दिल्ली रहते हैं ये। ये हमारे जूनू सरदार जी पाजी हैं, ये हमारे कंगन भाई भी हैं और मेरे बेस्ट फ्रेंड भाई। ये देखो ये आ गया आपका भाई, डैशिंग भाई, डैशिंग पर्सनालिटी। और ये हमारे सरदार जी और ये मेरा कज़न है भाई। ठीक है, ये मम्मी पापा। ये तृप्ति के फादर, हमारे पिताजी, ये मैं, ये मेरी सिस्टर एक बनी हुई थी स्कूल टाइम में। ठीक है, ये सिस्टर है अपनी, ये आगे लेके चलते हैं आपको भाई। ये देखो भाई का तिलक हो रहा है भाई। यार ये मेमोरीज ही होती हैं जो हमारे साथ रह जाती हैं, तो आज इसकी बनाएंगे वीडियो और व्लॉग बना के सीधा डालेंगे यूट्यूब पे भाई। तो यूट्यूब के प्लेटफॉर्म को थैंक यू भैया, जहाँ पे हमारी मेमोरीज जो हमेशा भर के लिए स्टोर हो जाती है, सेव हो जाती है, आगे जाके बच्चे भी देखेंगे इन्हें। ये देखो गाइस, अनफॉरगेटेबल मेमोरीज। तो गाइस यार बार बार देख देख के इनको ना मज़ा आता है बड़ा ज़्यादा। कॉल करते हैं हम जब मेमोरीज़ को, तो मेमोरीज़ बहुत अच्छी लगती हैं भाई, देख देख के इतना मज़ा आता है। अभी सारी फोटोग्राफ्स तृप्ति की आएंगी, अभी मेरी पूजा चल रही थी, क्षण था ये अपना, सुबह स्टार्ट हो गया था आई थिंक 11:30-12 बजे के करीब।
उसके बाद भाई शाम तक चला था, तो मेरे को अभी भी सब कुछ याद है। हम भी तैयार होके अपने घर से फटाफट निकल गए थे गाइस। तो ये देखो, ये मेरे पापा, ये तृप्ति के पापा। अच्छा आप ये देखो कि जो है इनकी शक्ल देखो आप गाइस, कमेंट करके ज़रूर बताना देखो आपस में कितनी ज़्यादा मिलती है। और मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ भाई, मेरे जो पिताजी थे इनका नाम और जो तृप्ति के पिताजी हैं भाई, दोनों का नाम सेम, एकदम सेम। और दोनों के साथ ही गाइस मेरा इतना ज़्यादा प्यार था कि यार क्या बताऊँ। बस जो आदमी से आप ज़्यादा लगाव प्यार रखते हैं भाई, भगवान उनको बुला लेते हैं। जेम थे ये दोनों, मतलब मेरे पास वर्ड्स नहीं है इनकी तारीफ करने के लिए दोनों की, पर भाई स्टार बंदे थे। इनसे आगे मेरे लिए कोई भी नहीं है, दोनों स्टार थे ये। ये देखो, ये अभी जो सरदार जी हैं भाई, ये मेरे कंगन भाई हैं, साथ में ये मेरी सिस्टर है मुक्ता थी ये स्कूल में। अभी थोड़ी सी नहीं मालूम, कॉन्टैक्ट्स नहीं है। तो ये देखो, ये हमारे पापा और ये हमारे ताऊ, दोनों के दोनों। ये कुछ भाई एक्सचेंज ऑफ मिठाइयाँ हो रही हैं, हैप्पी हैप्पी माहौल है। ये मेरी ताई गाइस, ये हमारी ताई है, ये भी नहीं है अभी, ये भी चली गई है भाई भगवान जी के पास। ये हमारी बुआ सबसे छोटी वाली भाई, सबसे ज़्यादा केयरिंग हमारी फैमिली के अंदर, सबको बड़ा ज़्यादा प्यार करती है भाई ये, सबसे छोटी बुआ। ये हमारी सबसे बड़ी बुआ और हमारे सबसे बड़े बुआई जी भाई, फेवरेट कपल है ये हमारा फैमिली के अंदर। इसमें से हमारी बुआ, हमारे पापा, हमारे लेफ्ट साइड पे जो मामा जी हैं सबसे बड़े वाले, ये भाई सब जा चुके हैं, हमारे बुआई जी हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और ये हमारी बुआ सबसे बड़ी वाली, ये हमारी दोनों भाभियाँ और ये तृप्ति भाई और ये हमारी कज़न सिस्टर। तो ये तृप्ति आ चुकी है महफिल के अंदर, और अब मेरे ख्याल से सारी फोटोग्राफ्स जो हैं भाई तृप्ति की आएंगी। ये मेरी भाई जो छोटी बुआ है, उसने मेरे को रिंग ला के दी थी। एक्चुअली मैं ला के तो कि भाई ये तृप्ति को पहना दे। ये देखो, ये रिंग आ गई है, तृप्ति भी आ गई है, और ये मेरे स्कूल फ्रेंड्स। ये देखो प्रॉपर वाले रिंग सेरेमनी भाई की स्टार्ट, और ये स्नो स्प्रे मार दिया किसी ने। और ये देखो ये भैया रिंग सेरेमनी यार, गोल्डन मोमेंट 24 इयर्स बाद। गाइस यार मैं तो आप लोगों के साथ बात करते करते फिर से वहीं अपने पुराने दिनों में चला गया यार, वाह। ये देखो, ये भैया तृप्ति ने पहना दी मुझे रिंग, और ये बैठ गए हम मस्त यार, मस्त। तो गाइस टोटली अरेंज मैरिज भाई अपनी, टोटली अरेंज, अरेंज के बाद लव, तो मज़ा ही आ गया भाई। आज हो गए हमें 24 इयर्स। आ गए मेरे पापा भाई, मेरे पापा तो वैसे ही आपको पता है तृप्ति से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। और ये हमारी सबसे बड़ी दीदी भाई, अनफॉर्चुनेटली ये दोनों बंदे नहीं हैं, पर चलो इनकी मेमोरी और इनके आशीर्वाद हमारे साथ हैं, ठीक है। तो आगे लेके चलता हूँ, ये मेरी ज़िंदगी का हैप्पीएस्ट मोमेंट गाइस, जो आज मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखो अब आपके साथ क्या है भाई, आज करिए आपके साथ रिंग सेरेमनी की ना, अब आपके साथ हर मोमेंट पे, जब जब जो जो दिन आएंगे हम आपके साथ अपनी सारी एल्बम शेयर करेंगे, बहुत ज़्यादा पार्टी फंक्शन करेंगे गाइस। हमने 23-24 साल के अंदर सारी एल्बम्स शेयर करेंगे आपके साथ। ये देखो क्या मस्त यार गाइस, अरेंज मैरिज, जब आपने एक दूसरे को देखा नहीं होता, जब आप एक दूसरे से मिले नहीं होते, तो ये वाला टाइम सोचो आप कितना हैप्पी होता है, कि मैं आपको अपने वर्ड्स में नहीं बता सकता। ये देखो क्या हैप्पी मोमेंट है, हम दोनों को देखो आप। तो गाइस यार ये हमारी फैमिली के सारे छोटे छोटे बच्चे भाई सारे मैरिड हैं ये अभी, और सारे हैप्पीली अपनी फैमिली के साथ। ये देखो आप चेक करो, सारे के सारे बच्चे और इनके आगे बच्चे हो चुके हैं, ठीक है। ये देखो ये फैमिली फोटोग्राफ्स कुछ आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये देखो ये सबसे बड़ी मामी मामा तृप्ति के साइड के, सबसे बड़े मामा हैं ये और सबसे बड़ी मामी है ये। ये भी तृप्ति के मामा जी, ये भी तृप्ति की मामी जी। ये देखो मस्त यार, शगन की रस्में हो गई शुरू, मेरे तो भाई मिठाई खिला खिला के बुरा हाल कर दिया था सबने। तृप्ति की मामी का लड़का भाई, ये तृप्ति का कज़न है, और ये तृप्ति की मासी है, ये सबसे बड़े मासी हैं हमारे।
ये मेरी दोनों भाभियाँ भाई आने वाले व्लॉग्स में भी दिखाएंगे आपको, भाभियों से मिलना है, अभी एक फंक्शन आ रही है, गेट टुगेदर आ रही है फैमिली की, उसमें दिखाएंगे आपको भाभियों के साथ, व्लॉग बन पाएगा तो भाभियों के साथ दिखाएंगे आपको व्लॉग इस बारी। बहुत ही कम मौके आते हैं, रेयर मौके आते हैं भाभियों के साथ इन्जॉय करने का भाई, क्योंकि हमारे भैया भाभियाँ काफ़ी दूर रहते हैं, तो इस बार शायद एक गेट टुगेदर आ रहा है, आपको जल्दी एक व्लॉग देंगे फैमिली फंक्शन का। ये हमारे साडू साहब, ये हमारी दीदी, ये यहीं हिमाचल प्रदेश में ही है भाई, ये तृप्ति की रियल सिस्टर बीच वाली, और दीदी के घर में भी एक फंक्शन आ रहा है, उसका भी व्लॉग देंगे, देखेंगे व्लॉग दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। ठीक है, ये जीजा जी हमारे, ये हमारी दीदी, और ये बीच में भाई कपल डैशिंग वाले, ये हमारे जीजा जी सबसे बड़े वाले, ये तृप्ति की रियल सिस्टर सबसे बड़ी वाली, और ये मैं और भाई, ये हमारी जाने मन, और ये हमारी दीदी की लास्ट ईयर डेथ हो गई है भाई, और ये दीदी भी हमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। तो गाइज़, ये तृप्ति के मामा जी, और ये तृप्ति की मामी, ये बीच में भी तृप्ति की मामी, और ये मामा जी की भी बीच में अभी डेथ हो गई है जी। पापा मम्मी जी, मस्त फोटोग्राफ है, देखो आप चेक करो, वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, प्लस वीडियो को लाइक करना भाई, वीडियो को शेयर कर लेना अपने फ्रेंड्स के साथ, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पता है क्या, मेमोरीज जब आप लोगों के साथ शेयर करते हैं तो बहुत ज़्यादा होप होती है दिल के अंदर कि आप लोग इनको बहुत सारे लाइक्स दोगे, हम लोगों को वेडिंग विशेज दोगे, तो बस यही एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि हाँ भाई हमारी जो फैमिली है हमें अपना पूरा सपोर्ट देगी। तो ये तृप्ति का रियल ब्रदर भाई, और ये तृप्ति की कज़न गाइस, ये मेरे ताऊ जी, ये मैं, ये तृप्ति, और ये हमारी ताई, ताई भी आपको बता दिए चला गया है, ये स्वीट कपल था जी, ये भी जा चुका है, ताऊ और ताई हमारे दोनों की डेथ हो गई है, दोनों MBBS डॉक्टर। गाइस यहाँ पे आ गए हमारे सरदार जी, हमारे साथ भाई, मेरे साथ 30 साल से जुड़े हैं ये, और मेरे कंगन भाई भी हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। ये देखो, ये हमारे सरदार जी बिग ब्रदर, ये मेरे से बड़े हैं। मेरे दोनों बुआई जी, ये मेरी बुआ, ये मेरी भाभी, अगर हो सकेगा व्लॉग में तो आपको ज़रूर दिखाएंगे, अभी 2-3 दिन में एक धमाकेदार व्लॉग आने वाला है, तो उसमें चेक कराएंगे आपको, इनको शक्ल याद रखना आप। तो गाइज़ ये हमारा बंदा भाई, इस बंदे ने इतनी ज़्यादा हेल्प करी है शादी के बाद, जो अपनी स्टोरी है ना, उस स्टोरी में मेन किरदार है ये, ख़तरनाक बंदा भाई, इसको बहुत ज़्यादा ढूंढ लिया पर ये मिलता नहीं है, पर चलो स्टेबलेस भाई। ये देखो, ये बंदा हमारा सबसे बड़ा किरदार है भाई, जिस आदमी ने हमारी हेल्प करी है, और ये मेरे पिताजी, विशेस दे देना भाई हम दोनों को, आप लोगों की विशेस और आप लोगों का प्यार बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ये देखो, ये देखो, ओए होए 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 भाई, क्या क्या याद आ जाता है यार, अभी जब तृप्ति देखेगी ना इस ब्लॉग को, मजा आ जाएगा, उसके लिए भी सरप्राइज होगा। हैप्पीएस्ट मोमेंट थी भाई लाइफ की, और हैप्पीएस्ट मोमेंट है, मैं तो सारी जितने भी अपने फैमिली फंक्शंस गैदरिंग जो भी है भाई तृप्ति के साथ ही सेलिब्रेट करना चाहता हूँ। कुछ मेरी यादें, आज मैंने आपके साथ रिंग सेरेमनी का अपना पूरी एल्बम शेयर करी है, होप करूंगा कि भाई आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी, और अभी मैं इसको अपलोड करूंगा, इसको एडिट करूंगा, उसके बाद ही अपलोड हो जाएगी। तृप्ति को मैंने बताया नहीं है, तृप्ति से चुपचाप ले आया हूँ, और जब व्लॉग को एडिट करूँगा वो भी मैं आज शॉप पे कर लूँगा, और फिर इसको अपलोड होने के लिए लगा दूँगा, तो उसको भी एक सरप्राइज़ मिलेगा। तो तृप्ति, ये भाई तेरे लिए आज का जो दिन था उसके लिए एक सरप्राइज़ है। एल्बम्स एक्चुअली में ख़राब हो जा रही हैं भाई, करप्ट हो जा रही हैं पेन ड्राइव्स, तो आज मैंने सोचा एक छोटा सा व्लॉग बनाएंगे अपनी एल्बम का, और अपनी एल्बम को जो है हमेशा हमेशा के लिए अपने फैमिली के साथ यूट्यूब चैनल पे शेयर कर देंगे भाई, तो प्लीज़ बहुत सारा प्यार देना। और आज मेमरीज थोड़ी सी ध्यान आ गई भाई, अपने जो बंदे यहाँ से चले गए हैं वो याद आ गए, जिनके साथ हम बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, तो अपने साथ तो भाई भगवान ने थोड़ा सा तो चलो गलत किया ही है, क्योंकि मेरी और तृप्ति की जिनके साथ बॉन्डिंग थी बहुत ज़्यादा,
बड़ा ज़्यादा प्यार था, आशीर्वाद ही आशीर्वाद देते थे। वो अगर मैं काउंट भी करूँ ना, सारे के सारे गायब हैं भाई, सब भगवान के पास है। तो इस समय जो है, चलो कोई चक्कर नहीं, ज़िंदगी तो चलानी है ना मेरे भाई, आगे उनकी ब्लेसिंग्स और उनका प्यार ही मेरे को आगे लेके जा रहा है। नहीं तो मेरी जो स्टोरी है ना, आपको बता चुका हूँ, एक फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। ठीक है, तो व्लॉग को खूब सारा प्यार देना। बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।